अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बुलंदशहर के अनूप शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगे अव्यवस्था के आरोप, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बुलंदशहर के अनूप शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लग रहे अव्यवस्था के आरोप। जी हाँ, बुलंदशहर के तहसील अनूप शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, जहाँ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर ना तो समय से दवा मिल पाती है, ना ही कोई अन्य सुविधाएं। कोई भी डॉक्टर समय से उपलब्ध नहीं होता और दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। आपातकालीन कक्ष में भी कोई साफ सफाई देखने को नहीं मिलती, और वो भी तब जब इस समय बुखार के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। घंटों तक लोगों को खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल परिसर में क्या स्ट्रेचर्स नहीं है? हाँ, स्ट्रेचर नहीं था यहाँ पर, स्ट्रेचर नहीं था, तो खुद में लेके आए। और 8 दिन पहले यहाँ पर आए थे, पेशा का बंद लग गया था, तो पेशा का बंद लगने पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कोई सर्जन नहीं है, इसको मतलब यहाँ पर सेवा ही नहीं है, तो यहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया। बुलेंसर लेके गए, बुलेंसर पहुँचे, बुलेंसर पहुँचने के बाद भी वहाँ भी यही बोला कि यहाँ डॉक्टर नहीं है हमारे पास, सर्जन नहीं है, आप मतलब और कहीं ले जाओ, मैं इंजेक्शन लगाई दे रहा हूँ, रिलीफ मिल जाएगा इनके लिए, ठीक है। वहाँ से हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, 2:30 बज रहा था, रात को बजा 10 बजे यहाँ पे आए, 10 बजे के बाद में फिर वहाँ गए, वहाँ के बाद में 2:30 बजे। इस तरीक़ा से हम रात भर परेशान रहे और हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। मतलब यहाँ जो भी मरीज आता है, ये इमरजेंसी मरीज आता है, उसे गोद में उठा के ले जाया जाता है, स्ट्रेचर न होने के नहीं, आपके सामने हम तो लेके आ रहे हैं, लेके गए और लेके गए थे, लेके आए। मरीज का यही होगा, स्ट्रेचर है ही नहीं, तो फिर कहाँ से जो कौन गोदी में ही ले जाएंगे और क्या करें। सरकार की देखो कितनी बढ़िया सुविधा है, सरकार ने व्यवस्था नहीं है ना यहाँ पे, व्यवस्था नहीं है। बुलंदशहर से टीम टीवी 30 इंडिया के साथ विशाल गर्ग की रिपोर्ट।